हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा, एक दर्जन कलम का मूल्य 84 रुपये है तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन कितना होता है। तो दोस्तों, एक दर्जन में टोटल 12 वस्तु होता है। तो यहाँ लिखा है एक दर्जन कलम, यानी 12 कलम का मूल्य है 84 रुपया। तो हमें 15 कलम का मूल्य निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ एक दर्जन में 12 कलम होता है, 12 कलम। तो यहाँ 12 कलम का मूल्य है 84 रुपया और हमें निकालना है 15 कलम का मूल्य। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे। तो एक का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो 84 को 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 12 कलम का दाम था 84 रुपये, इसलिए 12 से भाग करेंगे। तो 12 × 7 = 84, तो ये आ गया 7 रुपया। तो एक कलम का दाम कितना आ गया, 7 रुपया आ गया। हमें कितना निकालना है, 15 कलम का दाम। तो 15 कलम का दाम क्या करेंगे, 15 को 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक कलम का दाम 7 रुपये है। तो 15 कितना हो जाएगा, 15 को 7 से गुना कर देंगे। तो 15 को 7 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 105 रुपया। तो 15 कलम का दाम आ गया 105 रुपया। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं एक ही नियम का सवाल। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद।